हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अभिषेक कुमार, और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। जैसा कि अभी हमने देखा कि इधर की साइड है कुछ स्पॉटेड डियर, और इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम जीरो पॉइंट से, और जाएंगे सुंदरखाल विलेज तक और देखते हैं क्या है वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट। आपको कराते हैं नाइट जंगल सफारी। और इधर की साइड से अभी आ रही थी टाइगर की कॉलिंग की जबरदस्त आवाज, तो हो सकता है कि कहीं भी आपको टाइगर या लेपर्ड देखने को मिल जाए, क्योंकि अक्सर रोड क्रॉस करता रात में। और ये होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग, नाइट जंगल सफारी ऑन द बाइक। तो देखते हैं क्या दिखता है और क्या है टाइगर या लेपर्ड की मूवमेंट। भाई तुम निकलो। और दोस्तों आप देख सकते हैं क्या खतरनाक तरीके से ये ट्रक वाले चलाते हैं। सर्दी सब में धूल ही धूल, तो इन्हें ना तो है वाइल्ड लाइफ का कोई डर कि कोई भी इनके ट्रक से रोड क्रॉस करते हुए चल सकता है, और ना है इन्हें बाइक वालों का कि बाइक वालों की भी लग सकती है, क्योंकि रोड है छोटी। दोस्तों निकलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है टाइगर या लेपर्ड की मूवमेंट। और गर्मियों में आपको अक्सर वाइल्ड लाइफ क्रॉस करते हुए मिलेगी, रोड क्रॉस करते हुए मिल जाएगी, क्योंकि दूसरी साइड है कोसी रिवर और वाइल्ड लाइफ क्रॉस करके जाती है रिवर साइड पानी पीने। तो अब आ गए हम धनगढ़ी नाले की ओर, और इस नाले पे भी अक्सर टाइगर को स्पॉट किया गया है, क्योंकि ये नाला भी बहुत खतरनाक है। और यहाँ दोस्तों हम आ गए धनगढ़ी नाले की ओर, और इधर बहता हुआ पानी तो बरसातों में बहुत ही खतरनाक हो जाता है, यहाँ से रोड क्रॉस करना हो जाती है बड़ी मुश्किल। और चलते हैं इधर की साइड, आ गया कॉर्बेट का गेट, कॉर्बेट टिकाला का गेट, यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्बेट में जंगल सफारी। और इधर की साइड है म्यूजियम। चलते हैं आगे की ओर, यार ट्रक वाले बहुत तेज चलते हैं। दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, और हमने पार कर दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का टिकाला गेट, और इधर चल रहे हैं फुल स्पीड में ट्रक जो बिना किसी परवाह के, और निकल रहे हैं तेज स्पीड में। तो ये हो सकता है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि कहीं भी आपको टाइगर या लेपर्ड या स्पॉटेड डियर, सामा डियर क्रॉस करते दिखाई दे सकते हैं रोड। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट, और जो भी रास्ते में वाइल्ड लाइफ मिलती है वो आपको दिखाते हैं। और ये है सब बिल्कुल डेंजर एरिया, डेंजर जोन, यहाँ कहीं भी आपको टाइगर या लेपर्ड की मूवमेंट भी मिल सकती है, या रोड क्रॉस करते आपको मिल सकता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें, बाइक पे ना जाएं रात में ऐसे एरिया में। हम तो गए थे आगे की ओर, वहाँ से लौटते हुए हमने क्या बना लिया है वीडियो। और ये है एलिफेंट कॉरिडोर, यहाँ से अक्सर आपको एलिफेंट क्रॉस करते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों रात में कीड़े करते हैं काफ़ी परेशान, और पिछली बार यहीं दिखाई दिए थे हमें सांवा डियर। और इधर की साइड ये सुंदर सी रोड, और इधर की साइड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का घना जंगल। दोस्तों रात में कीड़े कर रहे हैं बहुत ही परेशान, आँखों में आ रहे हैं, और हेलमेट बंद करते हैं तो जब लाइट पड़ती है सामने से तो बहुत ज़्यादा धुंधला सा हो जाता है, तो उसमें और ज़्यादा रिस्क है थूकने का। ये है नेशनल हाईवे, यहाँ आपको प्रूफ ट्रक मिल जाएंगे रात में, और दोस्तों जल्दी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्रिज जो ऊपर ही ऊपर आपको निकाल देगा। ये है बड़ा पनौत नाला। इधर की साइड कुछ बाइक वाले जंगल में रुकते हुए, ये हो सकता है बहुत ही खतरनाक। और आ गए हम सुंदरखाल विलेज की ओर, आगे की साइड है सुंदरखाल विलेज। तो हम पहुंच गए सेफली, और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर अभी हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जंगल की सुंदर सुंदर वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।